असासाजात की जब्ती का मामला, इसहाक डार के दूसरे अकाउंट से 14 करोड़ 9 लाख रुपए पंजाब हुकूमत को मुंतकिल। जिला इंतजामिया ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को मरास्ता जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एंटी करप्शन मुकदमा में वजीर आला का इजाजत देने का इख्तियार, कलदम करार। किसी भी वजीर आला से करप्शन मुकदमा में इजाजत देने का इख्तियार गैर आइनी है। सियासी इजाजत लेना तो फौजदारी कवानीन की बुनियादी रूह से ही मुतसादिम है, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अहम ओहदों पर तकरूरी कौमी फरीजा है, वजीर आजम की मर्जी नहीं चलेगी, हम तय करेंगे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने वाज़े कर दिया। कमरा अदालत में जुल्फी बुखारी को डांट फैला दी, आप किसी और के दोस्त होंगे, सुप्रीम कोर्ट के दोस्त नहीं है, गुस्सा घर छोड़कर आए, चीफ जस्टिस का मुकालमा। जुल्फी बुखारी की किस अहलियत की बुनियाद पर तकरूरी की गई, किस के कहने पर समरी तैयार हुई, तमाम रिकॉर्ड तला। 33,000 लोगों की बददुआएं ले रहे हो, क्यों अपनी फैमिली को मुश्किल में डाल रहे हो, चीफ जस्टिस का ईडन हाउसिंग स्कीम के मुतासरीन की दरख्वास्तों की समाप्त के दौरान ईडन के मालिक से मुकालमा। डीएचए एडमिनिस्ट्रेटर ईडन हाउसिंग स्कीम मालिक और डीजी ने 5 दिसंबर को तला। निजी अस्पतालों का काम सिर्फ पैसा कमाना है, चीफ जस्टिस का इलाज के तरीकाकार पर एतराज, महंगा इलाज कबूल नहीं, चीफ जस्टिस ने अस्पतालों की तामीर से मुताले डीजीएलडीए से रिपोर्ट मांग ली। चीफ जस्टिस ने यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल की हालत जांच का नोटिस ले लिया, यूसीएच का बड़ा नाम होता था, कल 3 बजे अस्पताल का दौरा करूंगा, मसीही बरादरी को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि उन्हें महरूम किया जा रहा है, अस्पताल को ठीक किया जाएगा, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बोर्ड ऑफ कमीशन हेल्थ केयर के अरकान के तकरूर का मामला, जस्टिस रिटायर्ड आमिर रजा को केस बुनियाद पर इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया, चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मिन राशिद को कल रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का कटास राज, मंदिर के तालाब को पानी से भरने का हुक्म, पानी टैंकरों से लेकर जाना पड़े तब भी तालाब भरा जाए, चीफ जस्टिस के रिमार्क। सीमेंट फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाला पानी की तहकीकाती रिपोर्ट तलब। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी दो रोजा दौरे पर लाहौर पहुंच गए, गवर्नर हाउस में मुनाकिदा इजलास की सदारत करेंगे, सदर आरिफ अलवी से अराकीन असेंबली की मुलाकातें भी मुतवक्के। ग्रेटर इकबाल पार्क में मुबैना घोस्ट भर्तियों का मामला, 27 घोस्ट माली, 2 सिक्योरिटी गार्ड और 3 स्वीपर्स की जाली भर्तियां की गईं, माली कभी नौकरी पर ही नहीं आए, मुलाजमीन के अकाउंट में 216 महीनों की तनख्वाहें ट्रांसफर की गई, इंक्वायरी रिपोर्ट लाहौर न्यूज मंजर आम पर ले आया। सस्ते घरों की तामीर का मंसूबा, सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूदुर रशीद की जेर सदारत इजलास, घर बनाने के लिए एक्वायर शुदा अराजी की 4 दीवारी की जाए, इजलास में फैसला। मुख्तलिफ शहरों में अराजी का तयन हो चुका, घरों के नक्शों पर काम कर रहे हैं। ब्रीफिंग। हम सिर्फ मोहब्बत का पैगाम लेकर दोनों ममालिक के दरमियान तालुकात के बारे में कैसा लग रहा है लाहौर का मौसम? इतनी मोहब्बत, इतना खुलूस, इतना प्यार, बिल्कुल ऐसा लग रहा है हम अपने मुल्क में हैं। मैं 7 बरस बाद आया यहाँ और बहुत ही खुशी हुई, हमेशा जब आते हैं लाहौर तो बड़े अच्छे लोगों से मुलाकात होती और फिर यही हो रहा, बहुत उमदा लोग मिल रहे हैं भाई। कबर का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मेहमान नवाजी का। अफसोस ये है कि बहुत मुख्तसर है सफर, लेकिन हुआ तो ज्यादा। लाहौर आकर बहुत अच्छा लगा, हम सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत साथ लाए हैं। फैज अहमद फैज अम मेले में शिरकत के लिए आई भारतीय अदाकारा शुबाना आजमी और लाहौरियों की मेहमान नवासी की दिलदादा अदीब जावेद अख्तर, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुश्तरका फिल्म इंडस्ट्री के ख्वाहां। इनकलाबी शायर फैज अहमद फैज की याद, अलहमरा हॉल में फैज अम मेले का आज से आगाज, मुल्की और गैर मुल्की अदीब शायर मुसन्निफ और फनकार शरीक होंगे,
सुबह वजीर इत्तला फयासुल हसन चौहान से भारतीय अदाकारा सुबाना आजमी और अदीब जावेद इख्तियार की मुलाकात, गुलदस्ता पेश किया। और लेस्को एयरलाइंस सब डिवीजन के बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई, पीर मंसूर गांव में 10 से ज्यादा घरों से बिजली चोरी पकड़ी गई।